देखिए बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी मजेदार गेहूं के आटे और आलू की ये पपड़ी बनी है। लग रही है ना कितनी बढ़िया, और जो हमने इस पे डिजाइन डाली है उससे तो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है पपड़ी का। ये देखिए, अब मैं एक पपड़ी आपको उठाकर तोड़ के बताती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जब आप इसे बनाकर चाय के साथ खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फटाफट से इस पपड़ी को बनाना हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबला हुआ एक आलू लिया है, तो इस आलू को हम कद्दूकस करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर आलू को कद्दूकस करके ही लेना है। फिर इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, आप चाहें तो यहाँ अजवाइन डाल सकते हैं। आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे एक कप गेहूं का आटा, तो थोड़ा थोड़ा आटा हम इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से पूरे आलू के अंदर मिलाएंगे। पानी यहाँ पर हमें अभी नहीं डालना है, पहले हम आलू को अच्छी तरह से आटे के अंदर मिलाएंगे, क्योंकि आलू के अंदर ही मॉइस्चर होता है, फिर हमें बाद में जरूरत लगेगी तो हम पानी मिलाएंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए आटे को हमें एकदम ज्यादा गीला नहीं लगाना है, थोड़ा सख्त लगाना है। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी आटा आपको किस तरह का लगाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आलू को अच्छी तरह से पूरे आटे के अंदर मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, तो थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें, एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा लगता है, जब मन करे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। बनाने में भी बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लिया है, और इतना आटा लगाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल हुआ है। आलू मिलाने के बाद मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो जो ये आटा है ये गीला हो जाएगा। बाय चांस ये गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़े से गेहूँ के आटे का इस्तेमाल और कर लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह का आपको आटा लगाना है। अब हम इस आटे को ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो ये आटा है ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे, आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो आटे को हम एक बार अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे, इस तरह से, जैसे रोटी बनाने के लिए हम लोई बनाते हैं उस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस लोई को बेलेंगे, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसे बेलेंगे। इस रोटी को आपको यहाँ पर पतला ही बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। अभी मैं आपको इसकी थिकनेस आगे बताऊंगी कि आपको रोटी को कितना पतला या मोटा रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसे बेल लिया है, बेलकर रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको इसे इतना पतला बेलना है। अब हम इसके ऊपर फोक की सहायता से इस तरह से छेद कर देंगे। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप ये स्टेप नहीं करेंगे तो जो ये नाश्ता है ये तलते समय फूल जाएगा। तो इस नाश्ते को बनाते समय आप ये स्टेप को ज़रूर से करें। अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास लिया है, तो ग्लास से हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, पपड़ी की तरह। यदि आपके पास ग्लास साइज, आप यहाँ पर बड़ा छोटा रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको पपड़ी का साइज रखना है। यदि आपके पास कोई गोल कुकीज कटर रखा हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके साइड्स के पार्ट को हटा देंगे और इसे वापस से गूंथे हुए आटे में मिला लेंगे। तो मैंने इसके साइड्स के पार्ट को हटा दिया है। अब हम इस तरह से एक पपड़ी लेंगे, बाकी की पपड़ियों को हम साइड में रख देते हैं इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर चाकू लिया है, तो चाकू से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चाकू के इस उल्टी साइड से हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे हमें हल्का सा प्रेस करना है, एकदम ज़्यादा टाइट हाथों से प्रेस नहीं करिए, नहीं तो जो पपड़ी है ये कट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इस तरह से प्रेस करना है, इससे होगा ये। आप चाहें तो बिना डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, लेकिन जो पपड़ी है इस पर लुक बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये इससे होगा ये कि जो पपड़ी है ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। अब इस तरह से भी हम इस पर
निशान लगा लेंगे। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे आपको प्रेस करना है। अब मैं इसे आपको उठाकर बताती हूँ, ये देखिए नज़दीक से दिखाती हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना ये निशान। तो इसी तरह से हम सारी पपड़ियों पे निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी पपड़ी बनाकर रेडी करके रख ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो एक एक पपड़ी उठाकर हम इसके अंदर डालेंगे, तो जितनी पपड़ी कढ़ाई में आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करिए, नहीं तो जो ये पपड़ी है ये जल जाएगी। एक साथ ढेर सारी भी पपड़ी नहीं डालिए। अब ये हल्की सी फ्राई हो गई है, इस तरह से हम झारे से इन्हें चला देंगे और इन्हें पलट देंगे और धीमी आंच पर इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बस आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई बिल्कुल भी नहीं करिए, नहीं तो ये पपड़ी डालते से ही जल जाएगी, क्योंकि हमने इसे बहुत पतला बेला है। अब इसे हम इसी तरह से पलट पलट कर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये। और इसी तरह से हम बाकी की बची हुई पपड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। इन पपड़ियों को बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाती हैगी और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने जो इसके अंदर आलू डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है इसमें। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और यदि रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई सी भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप चाहें तो इन पपड़ियों की पपड़ी चाट बनाकर भी खा सकते हैं। हमने इसके अंदर जो आलू डाला है उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। जब आप इस पपड़ी की पपड़ी चाट बनाकर खाओगे तो उसका स्वाद और भी टेस्टी लगेगा खाने में। यदि आप इसी तरह से झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बस इस पपड़ी को बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे आप पतला ही बेलें, एकदम ज़्यादा मोटा नहीं बेलें। यदि आप इसे मोटा बेलेंगे तो एक तो ये फूल जाएगी, दूसरी जब आप इसे बनाकर रखेंगे तो ये बाद में नरम पड़ जाएगी, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर सारी पपड़ी फ्राई कर ली है, इन्हें भी हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, क्रिस्पी और कुरकुरी गेहूं के आटे की और आलू की ये पपड़ी बनकर तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। अब मैं एक पपड़ी आपको उठाकर तोड़ के बताती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए आवाज़ से ही आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर रेसिपी को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना के रखी है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।